ट्रैक नंबर 3 है जो रेलवेज का है, और ये स्ट्रेच जो हल्द्वानी से काठगोदाम जाती है, और इसके पैरेलल गौला नदी आप देख रहे हैं कि बह रही है, और इसमें पुराना काम रेलवेज ने कुछ किया था जीपिंग स्ट्रक्चर्स का, उसके बावजूद यहाँ पे कटा हुआ है, क्योंकि जो गौला का लेवल था 56,000 क्यूसिक के आसपास था परसों जब बहुत तेज़ बारिश हुई थी। इसमें एक तो रेलवेज की ओर से उनके पास फंड्स अवेलेबल है जिनका काम चल भी रहा है, प्रोटेक्शन वर्क्स का और स्पर्स का जो अब बरसात आने पर पूरा होगा, लेकिन यहाँ पे मुख्य मुद्दा ये है कि जो गौला नदी है ये इसका चैनलाइज इस प्रकार से कराना है कि वो बीच में बहे, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा स्टेडियम भी है उसको भी डैमेज से बचाना है। दूसरा, बीच में जो ऑर्डर्स थे कि पुलों के 500 मीटर के आसपास बिल्कुल माइनिंग नहीं होगी, वो अपनी जगह सही है ऑर्डर, लेकिन अभी इतना ज़्यादा मटेरियल यहाँ पर जमा हो गया है, जॉइंटली इसको हमें इरीगेशन और पीडब्ल्यूडी और रेलवे के सुपरविजन में इस काम को कराना पड़ेगा। तो इसमें डिजास्टर मिटिगेशन के बेसिकली एस्टिमेट्स बनाने हैं और इनको तत्काल हम यहाँ पे आपदा में प्रेशर करेंगे और इस काम को करवाएंगे। सर रेलवे